तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके की काइट्स जिन्हें भाई बारिश में भी आप उड़ाओ और कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ये है कुछ अलग ही मटेरियल। देखो भैया छोटे पड़ गए, पतंग इतनी बड़ी है। आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी ये यूनिक लाइट्स जिसके थ्रू आप रात को भी अपनी पतंग को आसमान की बुलंदियों पे ले जा सकते हो। Hey guys, welcome back to ठाकुर सौरभ ब्लॉग। भाई आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रखे थे। कुछ कमेंट्स ये आ रखे थे कि भाई काइट मार्केट जाओ, लाल कुआं जाओ, वहां की वीडियो दिखाओ लेटेस्ट वाली की क्या कुछ सीन चल रहा है। तो चलते हैं काइट मार्केट लाल कुआं एक्सप्लोर करते हैं, जो की पड़ता है कहां पर, चावड़ी बाजार नियरस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है वहां का, पहले ही बता दिया तो याद रखना। बाकी वहां पर देखते हैं क्या कुछ प्राइसिंग वगैरह अवेलेबल है, कैसे कैसे होलसेल में मिल रहा है, रिटेल में भी मिल रहा है, क्या चल रहा है, सब अपडेट मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। बाकी कोशिश करूंगा कि कुछ काइट्स मैं खरीद सकूं, अगर मेरा मन बना मैंने खरीदा तो लेके आऊंगा अतरंगी पतंगे और उनकी करेंगे भैया काइट उड़ाने वाली ही वीडियो की शुरुआत। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो करूंगा ये चीज मैं, ठीक है। बाकी मैं जा रहा हूँ आज अकेले, लेकिन वहां पर एक और बंदा आया हुआ है, उससे भी मिलवाऊंगा। फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं। बाकी कैमरा वमन देखो क्या कर रही है। तो ये हाल है भाई कैमरा वमन का, ये थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है और आज ये छुट्टी पे है। हाँ कल बारिश में, इतनी बारिश भी नहीं हुई, झूठ झूठ कम बोलते हैं। तो हम चल रहे हैं आज और चलते हैं फटाफट से और आप लोगों से मिलते हैं सीधा कहाँ पर, मेट्रो में। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, मतलब मिल लो भाई से भी मिल लो, ये लो भाई साहब से मिल लो, यही थे भाई साहब जिनके बारे में बताया था। ये भाई साहब भी अपने कैमरा वैमरा निकालने में लगे हुए हैं, मतलब फुल गलत वीडियो आने वाली है दोनों चैनल पे, अलग ही अलग अतरंगी आएगी, कुछ कुछ खतरनाक ही होने वाला है आज। मतलब है आज हम मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं। हाँ एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। स्मेल आ रही है भाई साहब, ऐसी जगह पे जाके वीडियो कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मेल आ रही है भाई, गंदी वाली। भाइयों यहाँ पर क्राउड देख रहे हो, मतलब क्राउड इतना खतरनाक है और गर्मी सड़ी वाली। अबे भाई बस कर, हॉर्न बजाता रहेगा क्या, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे भाई, कोई पी कर रहा है, कोई पू कर रहा है, कोई टह कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। और गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएंगे हम लोग। तो मार्केट के अंदर भी पहुंच चुके हैं बिल्कुल डीप में और ये वाली शॉप है जिसका मैं करने जा रहा हूँ, मतलब की ओवरव्यू देने जा रहा हूँ आप लोगों को। फटाफट से देख लो अंदर क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। का नेम और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है लाल कुआं मार्केट के अंदर, और चलते हैं फटाफट शॉप के अंदर और दिखाते हैं। तो चलो फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रेट्स पतंगों के, इस साल क्या कुछ चल रहा है भाई, ताकि आ जाओ इजिली ले पाओ। बाकी अभी वीडियो में ना बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूं आप लोगों को प्राइस के साथ, फटाफट देखो और लाइक कर देना, मजा आएगा। ये कौन सी पतंग है और क्या प्राइसिंग वगैरह है? 200 रुपए की पड़ेगी। 200 रुपए की कितनी? 200 रुपए की 100। तिरंगा आई लव माय इंडिया पड़ेगी 220 रुपए की 100। 220 रुपए की 100 पड़ेंगी। कलरफुल पतंगे, मतलब इसमें बेसिकली ये 260 रुपए की 100 है। 260 रुपए की 100, 350 रुपए की 100 पतंगे, 3.5 की एक पतंग। और ये किसके, इसको क्या छप्पर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भूत वाली पतंग कहते हैं, डाई वाली पतंग है। इसका क्या है, 320 रुपए की 100 पतंग पड़ने वाली है, डाई वाली पतंग। ढाई ये 4.5 रुपए की पड़ेगी, देखो ये 7 रुपए की बिकती है। 7 रुपए की बिकती है, अंदर से लेंगे तो 7 रुपए की लगती है। अच्छा लोकल मार्केट में 7 रुपए की, 4.5 रुपए। ओके ठीक है। इसको कहते हैं देखो छप्पर। अच्छा ये होती है छप्पर, मोर छप्पर मोर इसको कहते हैं। अच्छा इसकी पूंछ की वजह से, वाह क्या प्राइस है? 380 रुपए की 100 है। 300 रुपए की गोल्डन टेप की पतंगे, 380 रुपए की 100 ये भी होने वाली है। अलग अलग इसमें, मतलब जितने भी पतंग हम दिखा रहे हैं सब में डिजाइन मिल जाएंगे, डिजाइन अलग अलग मिल जाएंगे। अरे वाह ये भी सही है, आंखें अद्दी, अरे वाह अद्दी देख लो भाई, 450 रुपए की 100 अद्दी, 480 रुपए के 100 आ जाएंगे बड़ा साइज अद्दी में। तो ये दोनों का एक बार भैया ये भी दिखाना, दोनों के साइज में फर्क दिखा देते हैं एक बार, इसके ऊपर ही रख दो ये देखो, साइज में फर्क देख रहे हो, प्राइस में थोड़ा सा फर्क है और साइज में भी फर्क है, काफी सही है। अच्छा ये सही डिजाइन बनी हुई है, इस पे काफी सही लग रही है देखने में। क्या प्राइस जाता है इसका? ये पड़ेगी 550 रुपए की 100। 550 रुपए की 100 प्रिंट है इस पे, वाव। ये कॉलोनी में 10 रुपए की बिकती है। पोनी साइज की पतंगे आ चुकी हैं। ये ना किलाबों के अंदर, हाँ ओके। इसका क्या प्राइस है? ये यहाँ से पड़ेगी 7 रुपए की। 7 रुपए की एक पतंग पड़ेगी, मतलब 700 रुपए की 100 पतंगे, इसको पोनी बोलते हैं, क्या बात है। तो भाई अब जो पतंग आप लोगों को दिखा रहे हैं इसका नाम है मंजोली। बेसिकली ये जो पतंगे अभी आपको दिखाने वाला हूँ इसका मेन काम क्या होता है, ये मैदानों में यानी कि पेचे लड़ाने के काम आता है, लड़ाने में मेन फेमस पतंगे यही है मंजोली। और ये हो है अपनी अद्दी, ये है अद्दी, अद्दी में डिजाइन देख रहे हो, मतलब और भी डिजाइन मिल जाएंगे, ऐसे नहीं कि जो दिखा रहे हैं सिर्फ वही मिलेगी, डिजाइन बहुत सारी है। ये देखो ये भी अद्दी का एक डिजाइन आ गया, ये आ गया, पहले भी एक दिखाया हमने आपको, ये साइड में रखते हैं पोनी, मतलब ये भी पेचे लड़ाने के काम में सॉलिड आने वाली है पोनी पतंग, देख रहे हो मतलब सही है डिजाइन, काफी ब्यूटीफुल है। इसमें और भी डिजाइन मिल जाएंगे भैया, मिल जाएंगे ना,
चलो, और ये आता है फिर तावा। क्या बात है, एक बार अपने दोनों हाथ से पकड़ के दिखाओ भैया कितनी बड़ी है ये। देखो भैया छोटे पड़ गए, पतंग इतनी बड़ी है। और भाई साहब जब इससे पीछे लड़ाओगे तो मां कसम पूरे इलाके की पतंगे गायब हो जाने वाली है, बहुत बड़ी है। और ये क्या प्राइस आ रहा है? ये तावा है भाई, 20 रुपए का पीस। 20 रुपए का पीस पड़ने वाला है। और बाकी अपने जो मंजोली दिखाई हमने और जो पौना दिखाया, अद्दी दिखाई, इनका क्या क्या रहेगा रेट? मंजोली 500 रुपए के 100 आ जाएंगे, और फिर अद्दी में लोगे तो ये पड़ेगा 650। 650 का 100 अद्दी आ जाएगा। और फिर पौनी की बात करें तो पौनी का साइज आ गया, क्या प्राइस आएगा इसका? 750 रुपए की 100 आ जाएंगी। क्या बात, 700 वाली भी है। अच्छा 700 वाली भी है, पर ये ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है, ये 750 की बता रहे हैं आप, ठीक है। बाकी अपने पास भाई कुछ इस तरीके की काइट्स भी हैं जिनको आप बारिश में उड़ा पाओगे। और भैया दिखाना एक बार पकड़ के कितनी बड़ी है ये। इस पे प्रिंट देख रहे हो, प्रिंट भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, अभी तो फिलहाल एंग्री बर्ड है। हाँ, बरसात के मौसम में उड़ाओ। और दूसरी चीज ये मटेरियल ना भाई सब कपड़ा है, मतलब सिंथेटिक कपड़ा कह सकते हो आप इसे, तो इसको कुछ होने वाला नहीं है और हवा में फुरफुर उड़ने वाली है। इसमें साइजेस वगैरह अलग अलग, प्रिंट अलग अलग मिल जाएंगी। ये देखो, ये है 101 डेलमेशियन वाले डॉग वाली प्रिंटिंग। इधर अगर आप आते हो तो ये प्रिंटिंग मिल जाएगी आपको, छोटी में मिक्की माउस वाली, जिसकी भाई टेल देखो काफी लंबी टेल है और काफी अच्छी अच्छी पतंग है। इनका क्या प्राइस चल रहा है भैया? तो भाई ये जो एंग्री बर्ड वाला मैंने आपको दिखाया सिंथेटिक वाला, ये 100 रुपए का पड़ेगा। ये बड़े साइज में है तो ये भी 100 का पड़ेगा, और ये थोड़ा छोटा साइज होता है तो 75 रुपीज का आपको पड़ जाएगा। लेकिन इनको लेने का फायदा ना फटती है हवा से, ना बारिश में कोई पंगा होता है। तो भाई अब आ गई है बारिश सर्दियों की, इसके बाद दिखाएंगे मांजा, है ना? तो सर्दियों में ये कौन सी कंपनी? वर्धमान। वर्धमान है, ओरिजिनल वर्धमान। ओरिजिनल वर्धमान। और क्या इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या प्रिंट है? प्रिंट रेट तो 90 रुपए है। 90 रुपए और यहाँ कम में मिल जाएगा, मतलब MRP से कम में आप लोगों को यहाँ वर्धमान का ओरिजिनल मिल जाएगा, ऐसा कहना है भैया का। काला चांद, क्या बात है। और भैया मांझे में, और ये भी सर्दी है क्या? ये भी, ये रंगीन सर्दी है। अच्छा, ये रंगीन सर्दी है। एक क्या हिसाब किताब है इसका? 180 रुपए का होलसेल रेट है यहाँ पर, रंगीन सर्दी का होलसेल रेट 180 रुपए का रंगीन सर्दी। कॉलोनियों में 250 रुपए का बिकता है, 250 रुपए का बिक जाता है। और ये वाला? ये ब्लैक ईगल के नाम से, ये भी कंपनी का है। अच्छा, तो ये क्या प्राइस जाएगा ब्लैक ईगल? 350 रुपए का। और कितने कितना होता, कितना है इसके अंदर? 6000 मीटर। ये भी 6000 मीटर है, ये 180 का बताया आपने, 180 का। और इसमें कितना होता है, ये कितने मीटर होता है? 900 मीटर के लिए। अच्छा, 900 मीटर की सद्दी होती है ये, 900 मीटर की, मतलब ओरिजिनल वाला सीन सारा। तो देखो अब आपके सामने रखे हुए कुछ मांझों की वैरायटी, कुछ दिखा रहा हूँ, सारी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यार तुम्हें पता है कि बहुत सारा स्टॉक निकालना पॉसिबल नहीं होता अभी काम का टाइम है। बाकी इधर कुछ चरखी की भी हमने वैरायटी रख ली है जो प्लास्टिक में है। अब बताएंगे भैया कि क्या कुछ सीन है, कैसे कैसे हैं, बताओ भैया। जैसे ये एक रील की चरखी है, हाँ, ये आपको 70 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा, एक रील वाली 70 से स्टार्टिंग होगी? 70 से स्टार्टिंग है, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी तो ये आगे रेट इसके इंक्रीज होते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अलग अलग कारीगर आते हैं, उस हिसाब से रेट होते हैं इसके। क्या मतलब बेस्ट कौन सा रहता है? वैसे कई फेमस मांझे भी होते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अब जैसे एक तो कोई पांडा पांडा बड़ा चला हुआ है, जो पांडा मांझा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, मोटा होता है, वो बड़ी पतंग उड़ाने के काम में आता है। जैसे बड़ी पतंग होती है पौने की, अद्दे की, तावे की, वो प्लास्टिक वाले मंजे भी चले हुए हैं, वो क्या वो भी आपके पास है? क्योंकि वो मैंने सुना है ज्यादा पेचे वेचे लड़ाने में ज्यादा काम आते हैं। प्लास्टिक वाले मंजे तो बैन आइटम है, बैन आइटम है वो, हम तो रखते नहीं है और रखने भी नहीं चाहिए। हमसे कोई कस्टमर मांगता है हम उसको बताते हैं कि उससे क्या नुकसान होता है। एक तो सबसे बड़ी एनवायरमेंट को नुकसान है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी को लग जाए, हार्मफुल है वो, ठीक है। हाँ, बीच में कई केसेस आए थे कि स्कूटी पे किसी की गर्दन कट गई, पक्षी कबूतर मर रहे हैं, मतलब बहुत नुकसान है पर्यावरण के लिए। मेन है पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। वो ना तो उसको यूज करना चाहिए, ना ही उसको सेल करना चाहिए। और ये जो चक्री है ये कितने से हो जाती है अपनी चालू? 20 रुपए से। ये 20 रुपए से स्टार्टिंग रेंज है, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता रहता है उस हिसाब से इसका। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ डिटेल्स आप लोगों तक मिली होगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नंबर्स मिल जाएंगे। ये वीडियो थी भाई होलसेल वालों के लिए, अगर आपको रिटेल में चाहिए तो यहाँ पर विजिट करके आपको रिटेल में भी मिल जाएगा। लेकिन मेनली जो भी प्राइस हमने बताया है वो है होलसेल के लिए। और एक और चीज है जो नोट कर लेना, क्या कि भाई जो प्राइस अभी बताए हैं फ्यूचर में वो अपडेट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई जितना नजदीक आता है ना सीजन हर चीज का, तो प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इनको माल पीछे से महंगा मिलेगा तो ये आपको पुराने रेट में कहां से देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।